फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफी और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं साइंस क्लास का टेंथ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो हर साल बोर्ड में आता ही आता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के बिलियन में लोहे की कील को डालने पर बिलियन का रंग नीले से हरा हो जाता है, या कॉपर सल्फेट के बिलियन में लोहे की कील को डालने पर बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है। दूसरी तरह से ये क्वेश्चन आता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाता है तो कील के ऊपर सफ़ेद रंग की परत क्यों चढ़ जाती है। तो आंसर है इसका, देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट Cu और Fe। आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान कॉपर से ऊपर होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाता है तब जो आयरन होता है कॉपर को उसके बिलियन से विस्थापित कर देता है और अपना बिलियन बना लेता है, जिससे वो उसका रंग नीले से हरा हो जाता है और कॉपर वहाँ से विस्थापित हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, उत्तर में लिखेंगे, जब लिखेंगे चूँकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है इसलिए यह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाता है तब आयरन कॉपर को उसके बिलियन से विस्थापित कर देता है और अपना बिलियन बना लेता है, जिससे बिलियन का रंग नीले से हरा हो जाता है। और लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की एक परत चढ़ जाती है। उत्तर लिखेंगे चूँकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाता है तब आयरन कॉपर को उसके बिलियन से विस्थापित कर देता है और अपना बिलियन बना लेता है, जिससे बिलियन का रंग नीले से हरा हो जाता है और कॉपर उसके बिलियन से विस्थापित हो जाता है। क्लियर हो गए, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बने रहिए, मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल।